इस नववर्ष में जो शुरुआत है वो राम के नाम से है। जब मर्यादा टूट जाती है तभी घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। जब भी हम लिमिट क्रॉस कर देते हैं वहीं पर लाइफ में प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। इस बार का जो नववर्ष है, जो न्यू ईयर है, वो बिल्कुल कुछ अलग सा ही लग रहा है। हमारी सनातन संस्कृति और हिंदू संस्कृति के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए कितने बड़े गौरव का विषय है कि राम लल्ला अपने धाम में पधार रहे हैं, अपने मंदिर में आ रहे हैं। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हम सभी के लिए बड़े ही गर्व का विषय है और बड़े ही प्राउड का विषय है कि हम अपने भगवान का स्वागत कर पाएंगे। तो इस नववर्ष में जो शुरुआत है वो राम के नाम से है, और राम का नाम जो है वो परम सुखदाई। तो राम का नाम जब लिया जाता है, श्री राम, श्री राम। चलिए बोलिए मेरे साथ, श्री राम, श्री राम, श्री राम। देखिए, बोलते बोलते इतनी मधुरता आ जाती है, इतना अच्छा लगता है। तो जब देखा जाए हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो नववर्ष की शुरुआत ही इतनी मीठी है, तो पूरा साल कितना मीठा होगा आपका। बहुत अच्छा साल बीतने वाला है आप सभी का, मिठास से युक्त रहेगा, राममय रहेगा। जो राम में डूबा रहता है, राम का हाथ पकड़ लेता है, उनकी उंगली थाम लेता है, उस व्यक्ति के सारे काम तो अपने आप ही बन जाते हैं। सारे काम आपके होंगे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो राम का नाम लेकर हम इस साल की शुरुआत करेंगे और राम जी के आदर्श पर हम चलेंगे भी। राम जी के आदर्श, जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा का पालन करते हैं। हर चीज़ में मर्यादा है, हर चीज़, चाहे उनका बोलना है, चाहे उनका चलना है, चाहे व्यवहार है, चाहे रिश्ते हैं, हर चीज़ इतनी मर्यादित है। तो वो मर्यादा का पालन भी हम सभी ने करना है। तो अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए। देखिए, जब मर्यादा टूट जाती है तभी घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। आपने कोई ऐसी बात कर दी जो बात आपको नहीं कहनी चाहिए थी, या आपने वो व्यवहार कर दिया अपने रिश्ते में जो व्यवहार दूसरे व्यक्ति के दिल को छू गया, उसको हर्ट कर गया और वो घाव बन गया, तो रिश्ता टूट जाता है। तो मर्यादा का अगर हम पालन करेंगे, एक लिमिट से हम जब चलते हैं, सबकी इमोशंस का हम ध्यान रखकर चलते हैं, तो रिश्ते हमारे संवर जाते हैं, रिश्तों में पवित्रता आ जाती है। तो अपनी मर्यादा का हम पालन करें, ध्यान रखें, कितना बोलना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे निभाना है और कैसे जीवन को जीना है, इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी हम लिमिट क्रॉस कर देते हैं वहीं पर लाइफ में प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। और देखिए, जो कुछ आपको भगवान ने दिया हुआ है, उस चीज़ को, जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास, उन रिसोर्सेज का प्रयोग करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हर समय रोते धोते रहने वाला एटीट्यूड हम इस नववर्ष में त्याग देंगे। नए साल में नई उमंग और नया उत्साह बनाकर चलेंगे। रोना धोना बिल्कुल भी नहीं, कोई निराशा हमें लेकर नहीं जानी। अगर हम राम जी का व्यक्तित्व देखें तो उनके पास जंगल में क्या था? कुछ भी नहीं था। रावण के पास इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा साम्राज्य, सारी धन संपदा, सब कुछ था, लेकिन लेकिन अगर देखा जाए तो जीत किसकी हुई? जीत उसकी हुई जो व्यक्ति ने अपने जो भी साधन थे उन साधनों का ठीक से उपयोग किया
और वो धर्म की राह पर चलता चला गया, मुस्कुराते चलता चला गया। तो इसलिए सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित कभी भी नहीं किया जा सकता। इसलिए सत्य की राह पर चलते चले जाइए, जो है वहीं से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए और अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए। देखिए, रावण ने अपना रिश्ता नहीं संभाला और राम जी ने संभाल कर रखा। तो अपने रिश्तों को संभाला, इसलिए उन रिश्तों ने ध्यान दिया, प्यार दिया और अनजाने लोगों से भी रिश्ता बना लिया और वो सब एक साथ एकत्रित हो गए और राम जी की विजय हुई। तो हम भी अपने रिश्तों को अब संभालेंगे इस नववर्ष में, और साथ ही साथ में हम सभी अपने आप से भी प्रॉमिस करें कि नए साल में आप सभी अपना ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान, अपनी सेहत का ध्यान। जितना आपका शरीर बलशाली होगा, आपका मन स्ट्रांग होगा, उतने बड़े बड़े आप काम कर पाएंगे। अगर शरीर में दर्द है, गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आप काम क्या करेंगे। कई लोग कहते हैं मेरी तो गर्दन ही ठीक नहीं हो रही, इतने दिनों से दर्द हो रहा है, दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, दर्द ही नहीं ठीक होता। कोई कहता है घुटने ही नहीं ठीक हो पा रहे हैं। तो आपने अपने शरीर का ध्यान रखना है। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, इस साल हम अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, अपनी एक्सरसाइज ठीक से करेंगे, अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे और अपने इमोशंस को भी समझेंगे। जो हमारे अंदर का भय है, हमारे अंदर के क्रोध है, हमारे अंदर की ईर्ष्या है, हमारे अंदर की नफरत है, यही सारे इमोशंस फिर धीरे धीरे करके हमारे शरीर पर भी आना शुरू हो जाते हैं और हमारे शरीर के ऊपर रोग बनकर उत्पन्न होने लग जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा क्रोध में, भय में, ईर्ष्या में जीवन जीते हैं, उनके पेट में अल्सर होना शुरू हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। यानी कि कोई भय आपको सता रहा है, आप अपने आप को बहुत परफेक्ट दिखाना चाह रहे हैं, आप सोचते हैं मैं पता नहीं किसी की आकांक्षा पर पूरा उतर पाऊंगा नहीं उतर पाऊंगा, अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अपने अंदर के वो सब भयों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। जो हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर भय है, इन सब इमोशंस को हम ठीक करें, अपने आप को समझें और डिवाइन शक्ति के साथ जुड़े रहें, थैंकफुल होने का प्रयास करें। देखिए, हर समय हर व्यक्ति किसी न किसी प्रॉब्लम के लिए दूसरे व्यक्ति को दोष दे रहा होता है कि इस व्यक्ति की वजह से मेरी ज़िंदगी में ये परेशानी आई। जब हम दोष देते हैं, जब हम क्रिप करते हैं, जब हम इरिटेट होते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो हमारा जीवन और ज़्यादा उदास होता चला जाता है और ज़्यादा परेशानी आती चले जाती हैं। कहते हैं समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। तो आप अगर हर समय दुखी दुखी रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा ऐसी चीज़ें आती चली जाती हैं। तो थैंकफुल होना सीखिए हर चीज़ के प्रति, धन्यवादी बनकर जीवन को जीना। परमात्मा ने जैसा शरीर दिया है, पहले तो अपने शरीर के प्रति थैंकफुल हो। परमात्मा ने जो आपको फैमिली दी है, उस फैमिली के प्रति आप थैंकफुल हो जाएं कि कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जो आपका ध्यान रखते हैं, जो आपके लिए सोचते हैं, उन लोगों के प्रति थैंकफुल होइए, उन मित्रों के प्रति जिनसे आप अपने दिल की बात कर पाते हैं। बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास जाकर आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। आप अपने जो भी धन है आपका, जो चीज़ें हैं, उन सब के प्रति थैंकफुल होना सीखिए। अपने माता पिता को जाकर आप एक्सप्रेस कीजिए, अपनी माँ के प्रति थैंकफुल हो कि मेरी माँ जिसने पूरा जीवन मेरे लिए ही लगा दिया, मेरे सुख दुख का इतना ध्यान रखा, मेरी पसंद नापसंद दुनिया में किसी को पता हो या ना हो, लेकिन मेरी माँ को मेरी पसंद के बारे में सब पता है। मेरे विचार, मेरे इमोशंस देखते ही, मेरे चेहरा देखते ही बता देती है कि आज क्या मेरे साथ हुआ, इतनी जल्दी वो समझ जाती है। तो अपने माँ को थैंक्स किया कीजिए, अपने पिता को थैंक्स कीजिए जिनकी वजह से आप ज़िंदगी में ऊँचे उठ पाए, जिन्होंने अपना जीवन आपके साथ लगाया, जिन अच्छे लोगों ने आपका आपके लिए सहयोग किया, जिन्होंने आपके लिए कंट्रीब्यूट किया, उनके प्रति थैंकफुल हो जाइए, उन्हें थैंक्स किया कीजिए। और सबसे ज़्यादा
तो परमात्मा का थैंक्स कीजिए कि परमात्मा ने ऐसे अवसर दिए आपको कि जिसके कारण आप और ज़्यादा थैंक्स कर पा रहे हैं, और भगवान को थैंक्स कीजिए कि उन्होंने आपको एक अच्छी राह पर लगाया है, एक अच्छी जगह से जोड़ा है। और सबसे बड़ा थैंक्स हमें करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में हमें दिशा देने के लिए हमें एक सद्गुरु मिल गए हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी और भी अच्छी होती जा रही है। तो दिशा भटकाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन दिशा देने वाले कितने लोग हैं? अगर एक व्यक्ति भी मिल जाए इस दुनिया में तो समझ लीजिए वो बहुत बड़ी बात होती है, यानी जीवन ही हमारा बदल जाएगा। तो हम थैंकफुल हों और अपने गुरु के आदर्श पर हम चलें। तो इस नव वर्ष में हम अपने साथ संकल्प करें कि हम पूर्ण रूप से अपने आप को ठीक करेंगे, चाहे शारीरिक दृष्टि से हो, चाहे मानसिक दृष्टि से हो, चाहे इमोशनली हो, और अपना स्पिरिचुअल उत्थान करना है, तपस्या, साधना, जप और क्षमा करते चले जाइए, क्षमा का गुण बनाइए। किसी ने कुछ भी आपके साथ बुरा किया हो, आपने क्या करना है? आपने क्षमा कर देना है। तो लेट गो एंड फॉरगिव पीपल, तो फॉरगिव कीजिए एंड लेट गो, जाने दीजिए उन लोगों को जो आपको शूल चुभोते हैं, जो आपको दुख देते हैं, परेशानी देते हैं। क्षमा कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, और हंसते मुस्कुराते अपने जीवन को जीना है, और मन में हमेशा एक ही भाव रखना है कि मैं बस कर्म करता चला जाऊंगा और परमात्मा के चरणों में अपने आप को अर्पित करता चला जाऊंगा। तो ईश्वर करे ये जो नववर्ष है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा बीते, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आए, आपका जीवन आनंद में हो जाए।